मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि ये खड़गे जी का आखिरी चुनाव ये मैंने कहा था। आजकल वो मेरे डायलॉग बोलते हैं, मैं 400 पार बोलता हूँ तो वो कहते हैं 400 पार। मैंने वो 2019 में कहा था कि खड़गे जी का आज का भाषण ये उनका लोकसभा का आखिरी भाषण है, ऐसा मैंने कहा था। मैंने ये भी कहा था कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे, बड़े नेता राज्यसभा के रास्ते से आएंगे, सही निकला। मैंने ये भी कहा था कि अमेठी छोड़ के भाग जाएंगे, सही निकला। मैंने ये भी कहा था कि वायनाड से चुनाव पूरा होते ही दूसरी सीट खोजेंगे, वो भी सही हुआ। मैंने ये भी कहा था वायनाड हारने वाले हैं। मैंने ये भी कहा था कि रायबरेली हारने वाले हैं। और मैंने ये भी कहा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी को मान्य विपक्ष बनना भी बड़ा मुश्किल लग रहा है और इसके लिए वो अभी से तैयारी कर रहे हैं। शरद पवार जी ने बयान दिया है, उन्होंने कहा सभी छोटे दलों ने कांग्रेस में मर्ज होना चाहिए। दो कारण, एक तो खुद के अस्तित्व के लिए और दूसरा मर्ज हो जाएंगे तो 5-7-10 सीटें जो कम पड़ेगी वो कांग्रेस को मिल जाएगी, तो कांग्रेस मान्य विपक्ष बन सकता है। तो वहां एक्सरसाइज मान्य विपक्ष बनने की हो रही है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।